एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 9। 1 से 8 तक हमने आपको पढ़ा दिया है ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक उसका नहीं पढ़ा है तो जा कर के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज का देखिए चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह संचार करना, और व्यापार का मतलब क्या होता है, होता सब चीज़ का मतलब वही है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, ठीक है। आपको पता है ना महाराष्ट्र सबसे अधिक विकसित राज्य भी है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है। और नागपुर भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये मुंबई के बगल में। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो देखिए एक्सप्रेस वे है, सीमांत सड़क भी है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भी है, लेकिन पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं आपका 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए आपका भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो देखिए मुंबई में नहीं है, मुंबई में नहीं है आपका, चेन्नई में भी नहीं है। तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा आपका मेट्रो है दिल्ली में है, कोलकाता में है, ठीक है, और आपका एक दो जगह कहीं और पे है, तो इसका हो जाएगा कोलकाता दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो 2005, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं भारतीय अंतर्देशीय जनमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, 1986। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, इन्नौर पतन तमिलनाडु। भारत का डाक विभाग कितने जोन में बटा हुआ है, 7 जोन में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ये आपका 7। फालटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 12। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, दो राज्य के बीच व्यापार होने को कहते हैं अंतर्राज्यीय, ठीक है। परिवहन का सबसे तेज साधन होता है, तो देखिए सड़क मार्ग स्लो है, रेल मार्ग इससे थोड़ा फास्ट है। पाइपलाइन में तो परिवहन के आदमी उदमी जाएगा नहीं, वायु मार्ग होगा, ठीक है। पूर्वी मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ, तो पूर्वी मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय हाजीपुर। देखिए रेल मुख्यालय 17, रेल मुख्यालय क्या है, 17, और हर साल इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो हम ये 17 जो है ना, आज आपको एक वीडियो स्पेशल बना देंगे रेल मुख्यालय का, और ये सभी 17 को बता देंगे, हम लिख भी चुके हैं, ठीक है ना, इसको तो आज हम आपको इसको बता देंगे। पिछले बार भी एक प्रश्न इससे पूछा गया था, और यानी इन 17 में से जरूरी है कि हर साल एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जलमार्ग। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। इनमें कौन संचार का साधन नहीं है, तो देखिए संचार का साधन नहीं है सिनेमा हॉल। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, 1923, 1923 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। भारतीय अंतर्देशीय जनमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष बनाई गई थी, 1986। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को नहीं जोड़ता, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और ये भारत के प्रथम 4 महानगर थे, ठीक है, तो इसमें गुवाहाटी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली और कोलकाता, ये प्रश्न दूसरा बार आ चुका है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950-51 में कितने रुपया था, 1214 करोड़। इनमें कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में फालटा। बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में। इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है, तो देखिए परिवहन भी है, व्यापार भी है, संचार भी है, तो इनमें से सभी। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया, 17, अभी हम आपको बता रहे थे ना कितने जोन में, 17। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। स्वर्णिम चतुर्भुज बाने लेन वाली सड़कें 6। बकिंगम नहर का निर्माण किया गया था 1806 में। तो देखिए आपका क्या चैप्टर नौ भी समाप्त हो चुका है, और आपका ज्योग्राफी जो है ना लगभग समाप्त हो चुका है, एक या दो चैप्टर और बचा है, उसके साथ हमारा ज्योग्राफी
समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जियोग्राफी के बाद बढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।